बंदा नहीं किया भाई, झूठ बोल रहा है तू, तरन झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। और नहीं किया भाई, कोपची में क्या है भाई, तरुण ये कोपचा ही है, ये कोपचा ही हमारे लिए नहीं बना, ये छोटा हुए, ये जब ओयो नहीं था ना उससे पहले का ओयो है ये। और ऐसे बोला है, 7 साल हो गए, 7 साल में, 7 साल बाद में कुतुब मीनार घूमने आया हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शुभम जिंदल, वेलकम बैक दिल्ली यूट्यूबर। सो गाइस, मैं आज आपको लेके आया हूँ घुमाने के लिए नई जगह, वो है दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, सो गाइस, ये काफ़ी पुरानी मोनूमेंट है दिल्ली के अंदर, और इसका जो रेंट है वो 35 रुपीज़ का है पर हेड, फॉरनर्स के लिए करीब 600 रुपीज़ है। इसकी मॉर्निंग की टाइमिंग करीब 7:30 या 7 बजे खुल जाता है। आज तो देखा 7 बज रहे हैं, अभी हम लोग मॉर्निंग में आ गए हैं, इसलिए पूरा वो जो आप मेरे पीछे रैक देख रहे हैं, काउंटर रैक है, मतलब काउंटर, बुकिंग काउंटर है, वो सभी अभी खाली पड़े हैं। पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि बैक साइड में है इसके, और वहाँ पर तरुण अभी हमारा ये बारकोड इन्होंने स्कैन दे रखा है, बारकोड को स्कैन करके पे कर रहा है 35 रुपीज़। इसके बाद हम जाएंगे अभी अंदर, हम कुतुब मीनार के अंदर आपको दिखाएंगे कुतुब मीनार के अंदर क्या क्या चीज़ देखने लायक है, क्या क्या इसके अंदर फोटोग्राफी के लिए कौन सी वॉल्स अच्छी हैं, वो क्या क्या देखने लायक घूमने लायक जगह है यहाँ पर। आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको दिल्ली पे और अच्छी अच्छी घूमने लायक जगह हैं वो मैं आपको मैं घुमाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तरुण कर रहा है टिकट बुक, तरुण हो गई बुक, तो तरुण की गाइस टिकट बुक हो गई है, तरुण बैग कौन उठाएगा यार। तो गाइस, हम लोगों ने एंट्री कर ली है, वो बैक साइड से हमने एंट्री की है, आपको सिर्फ बारकोड स्कैन करके दिखाना है और अंदर आ जाना है कुतुब मीनार के अंदर। और जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये आपका कुतुब मीनार, अभी तो दिख नहीं रहा पेड़ की वजह से। और आपको यहाँ के बारे में एक बात बता दूँ, यहाँ पर 35 रुपीज़ की एंट्री है, पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पर मेट्रो से आते हो तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पड़ता है कुतुब मीनार, और बस से भी आ सकते हो आप यहाँ पर, ऑटो से भी आ सकते हो, अपनी कार से भी आ सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको हर जगह मॉर्निंग टाइम में तो कुछ है नहीं, बट डे टाइम में आपको यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट गाइड मिल जाएंगे, जो गाइड होंगे आपको इसके बारे में, जो मोनूमेंट है हमारा कुतुब मीनार जो कि मेहरौली में पड़ता है, आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वो लोग दे देंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन वो आपको दे देंगे, और आपको इसके बारे में सारी टिप्स दे देंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, किसने बनवाया था, क्या क्या चीज़ें थी, सब बता देंगे। मुझे कुछ पता है वो मैं आपको आगे वीडियोस में देख देख के बता दूंगा। यहाँ पे कई अच्छी जगह है फोटोशूट्स के लिए भी, काफ़ी अच्छी जगह है फोटो क्लिक कराने के लिए भी। आप चैनल पे नए हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसी मोनूमेंट्स और मैं आपको दिल्ली में अंदर दिखाऊंगा। और सो गाइस, यहाँ पर ना कई सारी जगह के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि कुतुब मीनार, कई सारी जगह के नाम है, मस्जिद, तो ये सारी जगह, ये यहाँ का मैप है जिस मैप के अंदर सब कुछ दे रखा है, अभी हम कहाँ पर हैं वो जगह ये है। और आप लोगों को ये पूरे सर्कल के अंदर जो जगह जगह पॉइंट्स बना रखे हैं, 17, 18, 13, 6, 10, 9, 3, 4, इन जगहों पे जो ये नंबर दे रखे हैं यहाँ पर, अगर आपको ये नंबर समझ में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट में भी नंबर दे रखे हैं, आप इन नंबर्स के अकॉर्डिंग इन जगहों पर जाके इस कुतुब मीनार को यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो अभी हम चलते हैं आगे, पहले यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, देन राउंड एंड देन वी कम फ्रॉम दिस साइड। सो गाइस, यहाँ चलते हैं, यहाँ से कुछ बताया गया है कुतुब मीनार और वक्त उल इल्ज़ाम मॉस्क्यू, यहाँ एक मस्जिद है और अलाई दरवाज़ा, ईमान जनी का एक 12। सो इस साइड चलते हैं पहले। और ये मॉर्निंग में गाइज, मेरी रिकमेंडेशन आप सभी को यही रहेगी, प्लीज़ गाइज मॉर्निंग में ज़रूर आइए। आप दिल्ली में रहते हैं या फिर दिल्ली से बाहर से आप कुतुब मीनार या दिल्ली घूमने आ रहे हैं तो इसको ज़रूर मॉर्निंग में विज़िट कीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में घूमने का मज़ा बहुत अलग होता है, फ्रेश एयर एकदम, और कोई भीड़ भाड़ नहीं होती है, बेस्ट टाइम मॉर्निंग है। मॉर्निंग खुलने का टाइम 7 बजे मैं बता चुका हूँ। और आप चैनल पर नए हो गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक वीडियो इस वीडियो पे एक लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आगे दिखाते हैं आपको। हाँ, सो दोस्तों, कई सारे ऐसे रूम यहाँ पर बने हुए हैं, आई थिंक रूम है या ये कॉरिडोर है, और उसके बैक साइड में मस्जिद है, मैं आपको मस्जिद दिखा देता हूँ एक बार। कुछ एक तरीके से आपको यहाँ पर एक व्यू मिलता है, ये मस्जिद है। और इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, या हम कुतुब मीनार के पास और पहुँचते हुए, वाह भाई सो ब्यूटीफुल यार, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा ये। आप यहाँ पे आके फ़ोटो शूट के लिए भी आ सकते हैं, और अपनी फैमिली के साथ भी आप यहाँ पे ट्रिप पे या फिर घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके, अलाई दरवाज़ा के बारे में लिखा हुआ है। एंड गाइस, ये देखिए कितना प्यारा है,
वाओ गाइस, इसको अलाई दरवाज़ा कहते हैं। अलाई दरवाजा इसलिए कहते हैं, इसके चार गेट हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये जाता है इधर मस्जिद के लिए, एंड दिस साइड मुझे पता नहीं है अभी यार इतना, तो अभी उस साइड भी हम जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं उस साइड क्या है। और इस साइड भी कुछ है, इस साइड कुतुब मीनार की बैक साइड है, उधर जाके भी आप गार्डन में जाके बैठ सकते हैं। अभी हम वहाँ चलेंगे, अभी पहले हम कुतुब मीनार के सर्कल मार के फिर वहाँ से बैक चलेंगे। सो अलाई दरवाज़ा हो गया, और दूसरा आता है अली दरवाज़ा, यही इसी बारे में लिखा हुआ है यार, ये गाइस कुतुब मीनार, द ब्यूटी ऑफ दिल्ली। चलें, तरुण बेचारा थोड़ा परेशान हो गया, इसको मैंने मॉर्निंग 6:30 बजे से कॉल कर करके परेशान किया था, तरुण उठ जा, तरुण उठ जा, ये बोला था नहीं मुझे घर में काम है, मुझे मत जगा, मुझे चाहिए था तरुण तरुण तरुण। तो चलते हैं गाइस, मजाक की बात थी ये। ओके गाइस, तो अभी हम लोग उस कॉरिडोर से यहाँ से निकल के आए हैं। ये मेरे पीछे कुछ जो आप वॉल देख रहे हैं, ये गेट थे कुछ जो टूटे हुए हैं, अगर आप खुद देख रहे हो, मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ एक बार। ये कुछ गेट थे जो टूट गए, और काफ़ी पुरानी जगह है ये। ये भी जो कॉरिडोर आ रहा है, ये कॉरिडोर ऐसे था, बट ये कुछ बीच में टूट चुका है, और ये यहाँ पर खाली ग्राउंड आता है, उसके बाद आपको एक कुतुब मीनार दिखाई देता है हमारा। सो गाइस, बहुत ही प्यारी जगह है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। अभी यहाँ पर हम लोग फोटोज़ भी क्लिक कराएंगे। आई थिंक यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, अभी उस साइड भी जाना है हमें। और सो दोस्तों, कई जगह ना, तरुण भैया पहले बोल रहे हमारे व्यू दिखा दो। सो गाइस देखिए कितना प्यारा है हमारा कुतुब, क्लाउड्स आ रहे हैं, आपको शायद पता नहीं वीडियो के अंदर दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ से बहुत ही प्यारे व्यू है। हमने कई सारे यहाँ पर रील्स बनाई है, कई सारी फोटोज़ क्लिक करी है, जो कि आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ जाके फोटो देख सकते हैं। आपको इस जगह के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर कई जगह से कोई व्हील चेयर पर आता है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, और वहाँ से भी ऑप्शन है। अभी उस साइड भी जाना है, अभी पहले अभी साइड कवर करते हैं, देन वो एंड देन जो भी मैंने बताया था गार्डन वाली जगह। अच्छा, यहाँ पर कई सारी जगह डे टाइम में क्या होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं, और जो सामने कमरे बने हुए हैं उनमें गुटर गु करते हैं। सो गाइस, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं किया भाई, झूठ बोल रहा है तू, तरन झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, और नहीं किया बात। गाइस, कभी भी दिल्ली में आए ये 3 काम कभी ना करें, कहीं भी सिगरेट ना पीने, कहीं कूड़ा ना फेंके, कहीं थूके ना, ठीक है। और दिल्ली जो, हाँ, और यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए तो इतनी मस्त जगह है कि पूछो मत यार। तरुण चले क्या कोपचे में, तरुण कोपचे में क्या है गाइस, तरुण ने कोपचा ही है, ये कोपचा ही हमारे लिए नहीं बना, ये छोटा हुए, ये जब ओयो नहीं था ना उससे पहले का ओयो है ये, और ऐसे बोलना नहीं चाहिए यार, गलत बात है। सो गाइस, ये काफ़ी अच्छी जगह थी, मतलब एक कोपचे वाली जगह है, अभी कई सारी जगह है वहाँ कोपचे वाली, वो मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ। और तरुण बोल रहा है, आप सब भी, मुझे पता है अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप सभी वो कोपचे वाली जगह देखना चाहते हो कि कुतुब मीनार में कोपचे वाली जगह कहाँ पर है। सो गाइस, ये वो जगह आ गई जो मैं आपको वहाँ से दिखा रहा था कि एक पार्क है बैठने के लिए, तो ये वो जगह है, ट्री के पास आप बैठिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, टाइम को एक्सपेंड कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, फ़ोटो लीजिए कुतुब मीनार के साथ। और आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्या क्या है। तो आप गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नए हैं तो वीडियोस देखते हैं, और मैंने और कई सारी वीडियोस बनाई हैं। देखिए कई सारे लोग क्या करते हैं, कोक पियेंगे और यहाँ फेंक देंगे, ये देखो। सो गाइस, ये खलजी का मकबरा जो भी मैंने आपको दिखाया था, गुटर वाली जगह, हाँ मजाक कर रहा हूँ गाइस, ऐसी कोई जगह नहीं है, यहाँ के करना भी मत ये काम, ये कुतुब मीनार हो गया, और ये जो पार्क वाली जगह मैं आपको दिखा रहा था वो। और अभी हम चलते हैं खलजी के उसमें, फिर यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपको कमरे दिखाऊंगा। इनमें मत जाना, इनमें मकबरे बने हुए हैं, मीन्स मकबरे क्या होता है, जो कोई मर जाता है तो उसकी जो कब्र होती है वो कब्र बनी हुई है इन जगह पे, बिल्कुल भी मत जाना। मैं गया था, मैं वापसी आ गया, मुझे डर लगा बहुत। और एक और जगह हमें मिली है, इन्हें पता नहीं क्या कहते हैं यहाँ पर, मेरे ख्याल से ये भी गुटरगु वाली जगह है। बहुत स्मेल आ रही है गाइस यहाँ पर, आप मत आना यहाँ पे, स्मेल आ रही है तरुण, ये एक और गुटरगु मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं है ये, मजाक कर रहा हूँ सच में,
कहीं आप यहाँ कहीं कहीं यहाँ पर आके सच में लोग गुटरुकू लोग उसे यूज करते हैं वो अलग बात है। हाँ, और कहीं आप लोग यहाँ पर आके गुटरुकू गुटरुकू लगे मेरे चक्कर में, ऐसा मत करना गाइस। ये कहीं चीज है गार्ड पकड़ने का, मेरे को बोलना। हाँ, सो गाइस देखिए मॉर्निंग में कितना प्यारा व्यू दिख रहा है आपको देखने के लिए। और तरुण अभी हम लोग आगे चल दिए हैं क्योंकि आगे थोड़ा सा हमारा फ्रंट साइड में कुछ रह गया था घूमने के लिए, अभी उसे घूम लेते हैं। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपको वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं कमेंट करके। मेरे पर डे टाइम में तो टाइम रहता नहीं, इस वजह से मैं मॉर्निंग में घूमने आया था, मेरा तो पर्सनल रीज़न ये था। बट आप देखिए कितना सुंदर है यहाँ पर एक चीज़, दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी तरीके से बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है। जहाँ स्टोन जो चीज़ वहाँ टूटी थी उस टाइम की, वो वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है। इसमें कुछ भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है और थोड़ा बहुत वहाँ रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और जो वो आपको पोल दिख रहा है उस पोल की खासियत तरुण बताएगा अभी हमें आगे जाके, अभी नहीं बताएगा तरुण, आगे जाके बताएगा। अभी पहले हम उस साइड जा रहे हैं, उस साइड से लेफ्ट टर्न राइट टर्न लेने के बाद हम फिर वहाँ जाएंगे। और हमने कुछ कई सारी यहाँ पर वीडियोस बनाई हैं, कई सारी फोटो। अच्छा तरुण, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति भी है, वो कहाँ है? हाँ मैंने सुना है, अभी दिखाते हैं। सुखद मैंने भी सुना है कि आपने भी सुना है कि यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है। अफवाह नहीं थी भाई, रियलिटी में स्टेयर्स के नीचे गणेश जी की मूर्ति है। ये शायद मेरे ख्याल से क्या है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इल्तुतमिश का मकबरा यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो सामने कब्र रही। और हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि हमारे मतलब की जगह नहीं है। यहाँ से चलने में ही फायदा है, फट गई। और तो वो क्या है गोल गोल सा, वहाँ चलते हैं। और यहाँ पर आप आइए तो कम से कम आपको दो घंटे कम से कम चाहिए तरुण पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ कम से कम आप दिल्ली घूमने आ रहे हो, दिल्ली में आपने कुतुब मीनार अपनी लिस्ट में ऐड ऑन नहीं किया है तो गाइस इसको ऐड ऑन कर लें। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके, हम कहाँ गए तरुण, लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी बड़ी वॉल्स के ऊपर पेंटिंग की गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा या नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और दिल्ली में क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए वो मैं आपको मैं बताऊँगा आज रात। दूसरे नंबर पर आया कुतुब मीनार, पहले नंबर पर आया था लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट, दूसरे नंबर पर आया आज ये कुतुब मीनार, तीसरे नंबर पर कोई नई जगह आएगी जो आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही पसंद आएगी। सो गाइज अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छी जगह लगी ये फ़ोटो क्लिक करने के लिए। ये है क्या वो भी हम अंदर जाके बता सकते नहीं क्योंकि यहाँ पर उन्होंने चैन लगा रखी है, इसके बारे में कहीं लिख रहा होगा वो भी हम आगे देखते हैं। और उस साइड बिल्कुल भी मत जाना, उस साइड कब्रिस्तान है गाइज, सच में कब्रिस्तान है उधर यार, बिल्कुल मत जाना, नीचे फट गई इधर जाके। सो दिल्ली एक्सप्लोर करने का आज हमारा दूसरा दिन था जिसमें हमने घुमाया आपको आज कुतुब मीनार। और यहाँ का सबसे बड़ी बात, मैं करीब दिल्ली में रहता हूँ और मुझे करीब यहाँ आए 7 साल बाद मैं कुतुब मीनार घूमने आया हूँ। मतलब मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा या फिर आप मानो करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे कुतुब मीनार होगा, उसके सामने से 500 या मतलब हज़ारों बार गुजरना हुआ होगा मेरा, बट मैं कभी कभी टाइम ही नहीं मिला मतलब मुझे घूमने का कि कुतुब मीनार घूम लूँ। एक बार आया था फैमिली के साथ जब काफ़ी छोटा था आप कह सकते हो, नहीं घर वालों के साथ आया था मैं काफ़ी टाइम पहले। ये क्या है पता नहीं, बनकर रखा है ये, बहुत ही सुंदर है। और उसके बीच में भी कुछ है पता नहीं, कुछ एक पिलर बना रखा है और मतलब चारों तरफ से ऐसे होल बने हुए हैं। और इसके बारे में दोस्तों को, सो गाइस ये इनकम्प्लीट कुतुब मीनार है जो फ्यूचर में हमारा बनने वाला था, पर जो खिलजी थे हमारे वो इसे बनाना चाहते थे कि मैं इसे जैसे वो कुतुब मीनार है वहाँ पर इसे भी कुतुब मीनार बनाऊँगा दूसरा, बट ये बन नहीं पाया इसलिए इनकम्प्लीट मोनूमेंट है। जैसा उस टाइम पे छोड़ा गया था वैसा का वैसा ही है, इसमें कुछ भी इसका नाम अलाई मीनार रख दिया ताकि कुतुब मीनार नहीं रखे तो अलाई मीनार रख दिया, अगर ये बन जाता तो उसका नाम अलाई बना नहीं पाए तो ये। सो खिलजी ने ये अलाई मीनार जो आप ये सामने देख रहे हैं इसको बनाने के लिए इसको बनाई थी, मतलब इसको बनाना चाह रहे थे कि कुतुब मीनार से 2 मीटर ऊँचा बनाऊँगा, दो गुना ऊँचा बनाऊँगा, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया इसकी वजह से, उसके आधा भी नहीं बन पाया आई थिंक ना, ये फर्स्ट फ्लोर तक रह गया बेचारा। और यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस मजाक की बात थी सारी, तो हमें तो व्लॉग बनाना है बट आप यहाँ पर घूमने आ रहे हैं आप इस जगह के बारे में आप पढ़ रहे हो तो प्लीज़ गाइस पूरा गूगल या फिर इस वीडियो को देखिए। और अभी हम चलते हैं एग्जिट की तरफ, फिर वहाँ कुछ फ़ोटोज़ लेंगे एंड देन अपनी बाइक से घर वापसी। तरुण क्या अच्छा लगा तेरे को यहाँ पे यार?
यार हिस्ट्री पता चली, इतनी तो पढ़ी भी नहीं थी। तरुण कह रहा है मैंने स्कूल में इतनी हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी जो मुझे यहाँ के पता चला। और बहुत अच्छी प्लेस है, सुबह के लिए तो बहुत अच्छी। तरुण बोला नेक्स्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आऊंगा मैं। मजाक की बात है, ये अलाई मीनार इधर साइड है जो उसका मतलब मैप दे रखा है इन्होंने कि इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। अपने हिसाब से आप पढ़ के घूम सकते हैं। और अभी हम लोग वहाँ नहीं गए तरुण, आयरन पिलर। हाँ हाँ उधर है वो आयरन पिलर बाबा। सो हम लोग पहुँच गए यहाँ पर, कुछ गार्ड भैया ने अपनी ड्यूटी संभाल ली है। गार्ड भैया कुछ टूरिस्ट मेम्बर्स को एक गाइड बन गए, पर उनका काम तो नहीं है, बट ठीक है यार आज की डेट में मजबूरी है और लोगों को काम ऐसा करना भी चाहिए, गुड। सो गाइज ये पिलर है जिसके बारे में हमारे तरुण भैया आपको बताएंगे। तरुण भैया पहले थोड़ा सा आगे आए हैं, इसको पास से पढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। पढ़ने के बाद आपको एक पूरा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। कुछ और लोग सुबह सुबह आ गए यहाँ पे। सो गाइज ओके दिस इज आयरन पिलर। तरुण बताइए बेटा। गाइज ये आयरन पिलर ऐसा है कि इसमें आज तक अभी तक जंग नहीं लगी हुई है। ओके गाइज तरुण बता रहा है जो ये पिलर है ये उसी टाइम का बना हुआ है, करीबन इस पर सदी लिखी होगी, तो काफ़ी पुराना पिलर है और उसके ऊपर आज तक जंग नहीं लगी है ऐसा तरुण बता रहा है कुछ। सो गाइज आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई हो, बहुत काम की वीडियो रही हो आपकी आज। और इस ब्लॉग को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, अब आ गया घर जाने का समय। मिलते हैं आपके साथ नई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ गाइज एक चैनल पर एक लाइक इस वीडियो के लिए कैसे कमेंट करके बताएँ आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारा एक मीनार कैसा लगा आपको। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। माय नेम इज शुभम जिंदल, मेरे पीछे मेरा दोस्त तरुण। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।